और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को लेकर। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है, सख्त टिप्पणी की है और हाईकोर्ट ने कहा है कि मंत्री की बयान की वजह से हिंसा हुई, किसानों को खदेड़ने वाले बयान की वजह से हिंसा हुई है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए था। जब धारा 144 लागू थी तो फिर वहां पर कुश्ती प्रतियोगिता क्यों हुई? हाईकोर्ट ने सवाल भी पूछा है और सख्त टिप्पणी भी की है। तो बड़ी खबर तिकोनिया कांड को लेकर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री के बयान की वजह से हिंसा हुई। साफ तौर से स्पष्ट शब्दों ने हाईकोर्ट ने कहा है कि मंत्री ने जो बयान दिया था उसी वजह से हिंसा हुई है और किसानों को खदेड़ने वाले बयान की वजह से हिंसा हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट ने सवाल भी पूछा है और सवाल ये पूछा है कि जब धारा 144 लागू थी तो फिर वहां पर कुश्ती प्रतियोगिता क्यों की गई, क्यों कुश्ती प्रतियोगिता करवाई गई? ये सवाल भी हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया है। तो बड़ी खबर तिकोनिया कांड को लेकर और हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और सख्त टिप्पणी की है और हाईकोर्ट ने यह कहा है कि मंत्री के बयान की वजह से हिंसा हुई। वहां पर किसानों को खदेड़ने का बयान मंत्री ने दिया, वही हिंसा का कारण बना और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, ये किस मामले में पूरी टिप्पणी हुई है और क्या कुछ विस्तार से कोर्ट ने कहा है? देखिए, जो लखीमपुर में हिंसा हुई थी जिसमें कई किसान मारे गए थे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा जेल गया था, उसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। इसके साथ साथ जो है कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अगर धमकाने वाला बयान ना दिया होता तो शायद लखीमपुर की हिंसा ना हुई होती। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक सांसद को, एक मंत्री को इस तरीके का आचरण शोभा कतई नहीं देता है, इस तरीके की बयानबाजी कतई शोभा नहीं देती है और सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को अपने बयान पर मर्यादा पूर्वक बयान देना चाहिए, कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे लखीमपुर की तरह हिंसा हो सके। कोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में भी कहा है कि वो चीफ गेस्ट बन करके गए थे, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि वहां पर धारा 144 लागू है और 144 लागू होने के बाद वहां पर कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो सकता था, भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी। उसके बाद जिस तरीके से जनप्रतिनिधि वहां पर गए, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री की तरफ से बयानबाजी की गई, उसी की वजह से लखीमपुर की हिंसा हुई है। तो एक नसीहत दी है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को, गंभीर टिप्पणी की है और 4 आरोपियों की जो जमानत अर्जी है उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल मोइन, जिस तरीके से ये पूरी सुनवाई हो रही थी इसमें क्या बचाव में भी कोई दलील दी गई है और इस मामले में और क्या कुछ कहा कोर्ट ने? देखिए, इस मामले में 4 आरोपी, लवकुश समेत 4 आरोपियों ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। 19 पेज का डिटेल्स जजमेंट है, ये जजमेंट हमारे हाथ पे है, ये जजमेंट आप देख सकते हैं। साफ तौर पर चारों आरोपियों की जो जमानत की अर्जी है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है और बेहद तल्ख टिप्पणी की है, तल्ख टिप्पणी की है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ और साफ तौर पर कहा है, कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने धमकाने वाला बयान ना दिया होता तो लखीमपुर में हिंसा ना हुई होती, कई लोगों की जान न गई होती। तो एक इतने बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी कतई शोभा नहीं देती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में भी कहा है कि वो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, किस क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है इसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए, उन्हें यह भी जानकारी होनी चाहिए थी कि धारा 144 लागू होने के बाद किसी तरह के सभा नहीं हो सकती, किसी तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ 4 आरोपियों की जमानत कोर्ट ने नहीं खारिज की है बल्कि बेहद तल्ख टिप्पणी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ की है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के की हुई है और इस पूरी घटना के लिए और मोइन ये भी मान सकते हैं कि भले ही सियासी तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को अभी तक बचाया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या फिर पार्टी की तरफ से भी कुछ नहीं बोला गया, स्टैंड क्लियर था, लेकिन ये बयान बताता है कि भविष्य में मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं अगर हाईकोर्ट इतनी सख्ती दिखा रहा है तो।
बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। सीधे तौर पर अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार विवादों में घिरे रहे हैं, जिस तरीके से उनकी सियासी घेरेबंदी की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद, इस टिप्पणी के बाद अजय मिश्रा टेनी और उनके परिवार की मुश्किलें और घिरेंगी। विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेता उन पर और हमलावर होंगे। भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सरकारों को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो एक बड़ा अहम बहुत महत्वपूर्ण फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। बड़ी बात कही हाई कोर्ट ने निश्चित तौर से। अब सियासी तौर पर अजय मिश्रा टेनी के सामने और घेरेबंदी निश्चित तौर से हो, क्योंकि विपक्ष पहले निशाने पर ले रहा था। शुक्रिया मोइन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।